उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतु देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद भगवद गीता यथारूप से श्रीमदेशी भक्ति कृपा जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अभी आज से हम जो श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, तो इन 8 श्लोकों को, तो 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक इन 8 श्लोकों को भक्ताष्टकम कहा जाता है। अष्टम मतलब 8 श्लोक है और भक्तों के गुणगान के लिए। तो ये 8 श्लोकों को हमें याद भी कर लेना चाहिए, बहुत आसान भी है और हमें भक्तों के गुणों के विषय में पता चलता है। अद्वैष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसमें से क्या कोई गुण हमें मैच करते हैं, क्या हमारे में किसी प्रकार के गुण है? अब देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के गुण बताए गए। सबसे पहला जो गुण है कि किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से नहीं करना, किसी भी जीवों से नहीं करना, किसी भी जितने भी जीव हैं लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र होना, द्वेष नहीं करना और सभी जीवों का मित्र होना, दयालु मित्र होना, तो दया के भाव भी होनी और मित्रता के साथ। उसके बाद करुणा भी है ना, यहाँ पर जो अपने को स्वामी नहीं मानता, निर्ममो कि मैं इसका जैसे कहते हैं कि ये मेरा है ये तुम्हारा है, तो हम कहते हैं ना कि मम, संस्कृत में शब्द आता है कि मम, तो मम मतलब मेरा, तो ये ममत्व वाले जो भावना है ये मेरा है तेरा है, तो इस तरह से अपने आप को स्वामी नहीं मानता और मिथ्याहंकार से मुक्त है, निरहंकार। मिथ्याहंकार क्या होता है कि मैं यह शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं मैं यह शरीर हूँ, इस तरह की बातें मानना ये मिथ्याहंकार है। इस चीज को समझना क्योंकि ये मिथ्या बात है कि मैं शरीर हूँ, और उसे समझना मैं शरीर हूँ और इस शरीर से अपनी पहचान बनाने से मिथ्याहंकार कहते हैं। जो सुख दुख में समभाव रहता है, सुख एवं दुख दोनों में समान भाव से रहता है, सहिष्णु है, सहिष्णु अर्थात सहनशील है ना, और सदैव आत्मतुष्ट रहता है अर्थात संतुष्ट रहता है, उसको कोई चिंता नहीं, वो उसको उसको हर स्थिति में वो संतुष्ट रहता है क्योंकि वो सुख दुख में अब समान है, तो फिर वो सहिष्णु तो होगा ही और संतुष्ट होगा। और आत्मसंयमी है, आत्मसंयमी अर्थात जिसको सततम योगी यहाँ पर कहा गया, आत्मसंयमी वो अपने सारे इंद्रियों को वो संयम में रखता है,
और जो निश्चय के साथ अपने मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहते, मन और बुद्धि दोनों भगवान की सेवा में एक साथ लगे हुए हैं और एकाग्रचित होकर, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे भक्त तो अब दिया जला के ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेंगे, हम इतने मुश्किल है फिर तो ऐसे भक्त कहाँ से मिलेंगे। शुद्ध भक्त ऐसे भगवान के किधर मिलते हैं। लेकिन भगवान ने ये गुण बताए हैं तो उनके जो भक्त होते हैं उनमें गुण होते हैं। अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हमें भी इस प्रकार के गुणों को प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार के गुणों को हमारे अंदर विकसित करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से कौन सा गुण है। सबसे पहले अब इसमें देखें कि कौन सा हम कर सकते हैं जिसके द्वारा हम बाकी गुणों को हम इसमें डेवलप करें। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है, ये मेरा मत है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल चीज़ें अभी देखेंगे कि किस कैसे हम अपने जीवन में इस चीज़ों को उतार सकते हैं। अब यहाँ पर बात भगवान ने तो बता दी है कि भक्तों को कैसा गुण विकसित करना चाहिए, लेकिन इसको किस प्रकार से करें। तो मुझे जो लगता है कि सबसे पहला जो हम इसमें से स्टेज है वो स्टेज है कि निश्चय पूर्वक डिटर्मिनेशन के साथ, जो आखिर में लिखा है, जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेशन, जो निश्चय हमें चाहिए, निश्चय पूर्वक हम भगवान की सेवा में लगे रहे, चाहे कैसे भी कठिनाई आए, कोई भी चीज आए, अगर हम निश्चय के साथ भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन और बुद्धि स्थिर होता जाएगा। और धीरे धीरे मन और बुद्धि जब स्थिर होने लगेंगे तब फिर हमारे अंदर ये सब जो गुण है कि हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, हम जीवों के प्रति दया भाव रखेंगे, सबके मित्र रहेंगे, स्वयं को स्वामी नहीं समझेंगे, मिथ्यांकार से मुक्त होंगे, सुख और दुख में समभाव रहेंगे, सहनशील रहेंगे, आत्मतुष्ट रहेंगे, आत्मनियम रहेंगे, ये सब आएगा। क्योंकि यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट है कि स्वयं को स्वामी नहीं मानना और मिथ्यांकार से मुक्त होना, तो ये दो चीज अगर आप में आएगा तो अपने आप सुख और दुख में समान रहेंगे। क्योंकि आप अपने आप को न तो स्वामी मानते हैं और न ही आप अपने आप को शरीर मानते हैं, तो आप अपने आप को जब आत्मा रूप में समझ रहे हैं तो सुख और दुख में समान रहेंगे, सहनशीलता अपने आप आ जाएगी। सुख और दुख में समान रहना कोई सहनशीलता कहें, फिर वो संतुष्ट भी रहेंगे और संयमित भी रहेंगे। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है मेरे अनुसार इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते, तो ये निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अगर हम भक्ति में लगे रहे। तो वैसे भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि भक्ति में जिसको आगे बढ़ना है उसको, उसके लिए 6 सिद्धांत, उसमें से जो पहले 3 सिद्धांत है वो है उत्साह, निश्चय और धैर्य। अर्थात उत्साह पूर्वक निश्चय करके धैर्य रखकर अगर हम भक्ति करें तो निश्चय करना बहुत आवश्यक है, कैसे भी सिचुएशन है, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे और इन उतार चढ़ाव के बीच में भी हम कैसे भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। अब आप पांडवों का उदाहरण देख सकते हैं, पांडवों के जीवन में कितनी कठिनाई है, लेकिन उन लोग सदैव निश्चय पूर्वक धैर्य के साथ दृढ़ता से वो भगवान की भक्ति में लगे रहे। यहाँ तक कि द्रौपदी का तो चीरहरण हो गया था, ऑलमोस्ट हो भी गया था, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने भगवान पर दृढ़ संकल्प जारी रखा ही था। और उस निश्चय को देखते हुए जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो मुझे ही पुकार रही है अभी भी, तो भगवान वहां पर आ गए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गजेंद्र और गजेंद्र के एक हाथी था जिसको एक मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया और दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। तो कई वर्षों तक युद्ध हुए, ये भागवतम में कथा आती है कि 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद फिर जब मगरमच्छ के सामने हाथी असहाय हो गए तो उन्होंने भगवान को पुकारा। तो भगवान ने जब उनको पुकारा तो तुरंत जब भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत वहां पर पहुंच गए। तो भगवान निश्चय पूर्वक देखते हैं कि कौन निश्चय से लगा हुआ है। निश्चय अर्थात क्या होता है कि ऐसी भी स्थिति आ जाए कि हे भगवान मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं भक्ति करता रहूंगा। जब ऐसा करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन और बुद्धि दोनों स्थिर हो जाते हैं और आगे फिर ये चीज हम डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है, हम इस चीज को समझ सकते हैं। आप लोगों का कुछ अगर रहेगा तो आप इस पर पूछ सकते हैं। तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अगला श्लोक पढ़ो 15वां। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो भयो द्विग मुक्तो यः सच मे प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय।
तो बड़ा सिंपल है, इसको समझना है कि जो भक्त होता है वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और दूसरों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। तो जैसे आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, प्रहलाद महाराज के ऊपर अनेक कष्ट आए लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए, वो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहे। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देख सकते हैं कि ये सभी स्थिति आती है। प्रहलाद महाराज ने कितने भी कष्ट आए लेकिन किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए और साथ ही साथ वो भी कभी विचलित नहीं हुए और सुख दुख में समान रहे, भय तथा चिंता में समान रहे। तो ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इस तरह से हम ये स्थिति कब प्राप्त कर सकते हैं? ये स्थिति तब प्राप्त होगी जब हम स्वयं को भगवान के, हमारी मति भगवान में लग जाए और हम स्वयं को शरीर नहीं आत्मा के रूप में रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद फिर हम वहां से भगवान की भक्ति हम दृढ़ता पूर्वक करते हैं। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो वो भक्त जो जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है, है ना, मतलब क्या है कि वो सदैव भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जो शुद्ध है, दक्ष है, दक्ष है मतलब एक्सपर्ट है, चिंता रहित है, किसी भी चिंता से रहित है क्योंकि भगवान ही भक्ति में लगा है, समस्त कष्टों से रहित है क्योंकि दुख कष्ट नहीं है, इसलिए है ना चिंता ही नहीं है तो फिर कष्ट कहाँ से, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, उसको किसी प्रकार का कोई फल नहीं चाहिए, वो सिर्फ भगवान के लिए भक्ति करना चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं भगवान के लिए और उसे कुछ चाहिए नहीं, वह मुझे अतिशय प्रिय है। तो आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में भगवान सूरदास जी के सामने बैठकर भजन सुन रहे हैं, सूरदास जी को दिखाई नहीं रहा है, वो भगवान भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि सामने कौन बैठ कर सकता। इसे कहते हैं कि समस्त किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील, उन्हें नहीं पता कि सामने भजन कौन, वो बस भजन गा रहे हैं भगवान की भक्ति का, लेकिन भगवान स्वयं आकर उनका भजन। तो कहते हैं ना कि ऐसा काम मत कर, मतलब ये मत सोचो कि हम कब भगवान को देखें, कुछ ऐसा करो कि भगवान आकर आपको देखे। तो हमको सिर्फ भगवान की भक्ति में भगवान के लिए कर्म करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए जो फल मिलता है तो वो तो भगवान उसको देखेंगे, भगवान उस फल के लिए उत्तरदायी। अगर हम फल के लिए सोचेंगे तो फिर हम उसके लिए पाप और पुण्य, जैसे ही हम फल के लिए प्रयत्नशील होंगे तब हमें पाप और पुण्य भी मिलेगा। तो अच्छा कर्म करेंगे तो पाप पुण्य मिलेगा, नहीं तो पाप मिलेगा, इसलिए हमको फल के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, वो भगवान देख ले, उसे भक्ति कहते हैं, और भक्ति में फिर पाप और पुण्य नहीं मिलते। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ऐसे भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो हम भी ऐसे गुणों को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें, ये बहुत आवश्यक होगा। इसमें एक एक जो गुण है भक्तों के दिखाए जा रहे हैं, वो गुण हम जीवन भर प्रयत्न करें तब शायद हम ऐसे गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भक्तों की या कई कई जन्मों तक हम प्रयास करें तब जाकर शायद हम प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें किसी भक्त की शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हो, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त हो या भगवान स्वयं आकर हमें इसमें सहयोग करें, कृपा करें, तब हम इन गुणों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी यह समझ सोचिएगा कि इन गुणों को हम अपने प्रयास से अर्जित कर सकते हैं, इन गुणों को हम भगवान के एवं भगवान के भक्तों के प्रयास से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इतने श्लोकों तक ही चर्चा करेंगे, 17 से 20 हम कल देखेंगे। अभी तक हम लोग इस श्लोक, इस जो 4 श्लोकों के विषय में हमने चर्चा किया, तो किसी का कोई प्रश्न है क्या इसके संबंध में, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न कल वाला था कि जैसे प्रभु जी मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि जब हम कभी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं रिजल्ट को ध्यान में रख के कर्म करते हैं कि मुझे एक्स वाई जेड नंबर लाना है या ये रैंक लाना है, तो प्रभु जी इसमें कहीं ना कहीं हम कर्म फल में आसक्त हो जाते हैं, तो ऐसे अनासक्त कैसे हो, मतलब त्याग कैसे करे कर्म फल को। देखिए पहला चीज भगवान ने बताया कि जब आप कर्म फल का इस तरह से त्याग नहीं कर सकते, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो भगवान के लिए कर्म करने का प्रयास कीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कर्म फलों का त्याग कठिन होता है, वो संभव नहीं है हमें, हमारे लिए,
कर्म फल का अगर त्याग कर देंगे तो फिर कर्म करने की इच्छा ही नहीं रहती, फल ही नहीं है तो फिर इच्छा कैसे करें। तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना। कैसे भगवान के लिए कर्म करें, कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और अगर इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो उसका क्रेडिट मैं भगवान को दूंगा। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई तुम इतना अच्छा कैसे पढ़ाई किए, तो मैं उनको बताऊंगा कि क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा था और भगवान के नाम का जप करता था, ध्यान करता था, तो इस कारण से मेरा मन उद्विग्न नहीं था, मेरा मन शांत था, इसलिए मैं पढ़ाई में फोकस कर पाया। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो ध्यान है इसमें रहे कि मैं भगवान के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तब हम उसको भगवान के प्रति ओरिएंट कर। आप समझ पा रहे हैं? कई बार देखो आपका एग्जाम, कई लोग का एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद फिर लोग इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं, अरे आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? हाँ, तो लोग बोलते हैं मैं इसका श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ, टीचर्स को देना चाहता हूँ, मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ, इसका श्रेय मैं खास करके मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसको देना चाहता हूँ। खैर वो वगैरह वगैरह चीजें रहती, लेकिन मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे भगवद्गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया, भगवद्गीता पढ़ने के बाद मुझे भी अर्जुन की तरह बनना था, लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी, और वैसे मेरे टीचर्स का भी बहुत योगदान था, को भी बोले, टीचर्स के भी बारे में बोले, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी बोले, लेकिन अगर वो भगवान को इसमें क्रेडिट देता है कि उनके कारण मुझे, भले उसमें उसको भगवान ने हेल्प किया हो ना किया हो, लेकिन हम जानते हैं कि बचपन से भगवान हमें हर चीज में हेल्प कर रहे हैं, सांस लेने से लेकर पानी पीने तक, है ना, डाइजेशन कौन करता है, हम थोड़ी करते हैं, हमारे पेट में कौन डाइजेशन करता है, भगवान ही जानते हैं। तो हर चीज में भगवान हेल्प कर रहे हैं, तो हमको क्रेडिट देने का जब भी मौका मिले तो जरूर देना चाहिए, है ना। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी का। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, जय गौर। हरे कृष्ण।